हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर की एक अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। इस इंडस्ट्री में बहुत से स्टार हैं जो कि एक समय में अपनी शादी को लेकर काफी चर्चित रह चुके हैं, लेकिन बाद में इनके रिश्ते में कुछ इस कदर दूरियां आई कि इनका तलाक हो गया। आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी की छह कातिल हसीनाओं के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें हम सालों से सीरियल में आदर्श बहुओं के किरदार में देखते आए हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनकी शादी की नैया बीच मैदान में ही छूट गई। आइए जानते हैं इन एक्ट्रेस के नाम जो अब तलाकशुदा है लेकिन अपने कैरियर की ऊंचाई को छू रही है। नंबर वन, स्नेहा वाद, स्टार प्लस की सुपरहिट धारावाहिक एक वीरा की अरदास। वीरा तो आपको याद ही होगा। इसमें वीरा की माँ रतनजीत कौर का किरदार निभाने वाली स्नेहा वाद की शादी एक्टर आविष्कार दवे से हुई थी। उस समय इनकी उम्र केवल 19 वर्ष की थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद स्नेहा और इंटीरियर डेकोरेट अनुराग सोलंकी एक दूसरे को डेट करने लगे और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली, परंतु यह शादी भी 8 महीने के बाद टूट गई। अब दोनों अलग अलग रह रहे हैं। बता दें कि स्नेहा की पहली शादी टूटने की वजह घरेलू हिंसा था, जबकि दूसरी शादी न टिकने का कारण दोनों पति पत्नी के बीच के अलग अलग विचार व सोच की थी। नंबर टू, रश्मि देसाई। रश्मि देसाई ने टीवी इंडस्ट्री में कलर्स चैनल के मशहूर शो उत्तरन से डेब्यू किया था। इस सीरियल में काम करने के दौरान वह अपना दिल शो में उनके साथ काम करते एक्ट्रेस नंदीश को दे बैठी थी। दोनों ने साल 2011 में शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 साल बाद यानी 2013 में दोनों के अलग होने की खबर ने मीडिया में सनसनी फैला दी। दोनों ने अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए एक दूसरे को कई मौके भी दिए थे और नचवलिए में हिस्सा भी लिया था, लेकिन कुछ रिश्ते शायद टूटने के लिए ही बने होते हैं। इनका आखिरकार साल 2015 में तलाक हो गया। अब रश्मि टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है। हाल ही में बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई ने भाग लिया था, जिसके बाद से उनकी फैंस फॉलोइंग में भी और बढ़ोतरी हुई है। नंबर थ्री, मुस्कान मिहानी। टीवी के मशहूर शो दिल मिल गया और जुगनी चली जलंधर में सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मुस्कान मिहानी तलाकशुदा है। उनकी शादी मुंबई के एक बिजनेसमैन तुषार धोबानी से साल 2013 में हुई थी। दोनों की अब एक 20 महीने की बेटी भी है, जिसका नाम मन्नत है। नंबर फोर, दलजीत कौर भनोट। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर को हम इस प्यार को क्या नाम दूं की अंजलि दी के तौर पर भी जानते हैं। हाल ही में वह बिग बॉस 13 सीजन का हिस्सा भी रह चुकी है। इसके अलावा वह जी टीवी के शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अंतरा का किरदार निभाती हुई दिख रही है। इनकी शादी शालीन भनोट के साथ 9 दिसंबर 2009 में जबलपुर में हुई थी। इसके बाद 2013 में दोनों का बेटा हुआ, लेकिन शादी के 5 साल बाद ही दोनों पति पत्नी ने तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए। नंबर फाइव, वह बीच दौरा बजी। वह बीच को हम प्यार की एक कहानी शो की पंछी के रूप से जानते हैं। इन्होंने शो के लीड एक्टर अभय रायचंद उर्फ विवियन डिसेना से शादी की थी। इनकी शादी 7 जनवरी 2013 को हुई थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद यानी 2016 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने अपने अलग होने की बात को स्वीकार भी किया था और आखिरकार 2017 में दोनों का तलाक हो गया। नंबर सिक्स, जेनिफर विगेट। माया मेहरोत्रा उर्फ जेनिफर विगेट को बेहद सीरियल से सबसे अधिक पहचान मिली है। उनके शो में उनके ऑब्सेशन को दिखाया गया था। यह शो रातों रात हिट हो गया था। जेनिफर की शादी कबूल है फेम एक्ट्रेस करण सिंह ग्रोवर से 9 अप्रैल 2019 में हुई थी। दोनों की मुलाकात दिल मिल गए में काम करने के दौरान हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। अब करण सिंह ने बिपाशा बासु से शादी कर ली है, जबकि जेनिफर अभी भी सिंगल है और काफी खुश भी है। तो दोस्तों, आपको इन हसीनाओं में से कौन सी हसीना सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको ऐसी ही मसालेदार खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।